चैनल आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और ये ज़बरदस्त का रियाज है। हालांकि इस तरीके का पैटर्न थोड़ा सा इसमें थोड़ा एडवांस कर दिया हूँ, थोड़ा और चीज़ इंक्लूड कर दिया हूँ। इससे पहले मैं 10 थाट पे फिंगरिंग करने के लिए बनाया था, लेकिन उसको आप रियाज में टेम्पो के साथ रिदम के साथ कैसे शामिल कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ की स्वर पर पूरा कंट्रोल। ये इसमें क्या है कि सभी कुछ रियाज में जितनी तरीके का चीज़ है कि लीडिंग में बजे, कॉर्डिंग में बजे, वॉइस प्रैक्टिस, ऑल इन वन अलंकार, एक अलंकार में ऑल इन वन हर एक चीज़ है। तो इसी के लिए इसको पहले पैटर्न को समझ लेना है। एक थाट में मैं बताऊंगा, हर एक थाट में इसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कॉर्ड पोजीशन की बात है इसलिए हर एक थाट का कॉर्ड पोजीशन पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि किस हिसाब से है। पहला एक जो बिलावल थाट है उसमें मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि वॉइस का भी रियाज होगा, फिंगरिंग होगा, कॉर्ड पोजीशन में फिंगर को प्रैक्टिस चलेगा, हारमोनियम पर ताल बजाने की आदत पड़ेगी। हारमोनियम पर जो रिदम लिया जाता है ये बहुत सारे लोगों से, प्रोफेशनल लोगों से भी नहीं होता है, लेकिन इस प्रैक्टिस को आप रिदम में करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा स्वर पे पूरा नियंत्रण, आवाज़ पे पूरा नियंत्रण के लिए वेस्टर्न स्टाइल में कैसे वॉइस प्रैक्टिस करें ये भी आपको मिलेगा। तो चीज़ को पहले, पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। एक जगह समझ लीजिएगा, हर एक थाट में आप कर पाइएगा। रिदम जो बज रहा था तबला ऐप से बज रहा था, तो उस पर भी चर्चा कर दूंगा कि किस हिसाब से इसको आप कितना रिदम में रख के स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए अंत तक देखिएगा। इस वीडियो का नाम देंगे, इस लेसन का नाम देंगे ऑल इन वन अलंकार, एक अलंकार में हर एक चीज़। पैटर्न क्या, अभी कहरवा था, हर एक ताल में इसको बनाना है मुझे, हर एक ताल के अंदर आपको देखना है इसको। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो है ये कहरवा ताल, जिसमें 70-80% सॉन्ग आपको लाइट म्यूजिक का मिलेगा, उस ताल में चलते हैं, उस ताल में इसका प्रैक्टिस करना है। पहले इसको समझ लेंगे। थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे, ज्वाइन बटन क्लिक करके नीचे जो सब्सक्राइब बटन के पास है, और उनको भी थैंक्स है जो डोनेशन अमाउंट भेजे हैं हम तक। पेटीएम पे वो नंबर लिंक्ड है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स है। आइए ये ऑल इन वन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। पैटर्न पहले समझिए, फिर रिदम में कैसे प्रैक्टिस करना है, रिदम में करना जरूरी है, उसको देखिएगा। बिलावल थाट में देखना है, सी शार्प से, ओके। जैसे यहाँ से पहला पैटर्न एक एक समझिएगा, सभी समझिएगा। सा से चलेंगे, कितना का ग्रुप बनता है ये देखिएगा। प्रत्येक ग्रुप को जैसे सा से करना है, प्रत्येक ग्रुप में तीन तरीका का पैटर्न बन रहा है, ये खासियत है। इसलिए मैंने कहा कि ऑल इन वन ये अलंकार है। प्रत्येक ग्रुप में तीन पैटर्न बनेगा। पहला पैटर्न बनेगा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से लीडिंग में आवाज़ लगाना, लीडिंग अलंकार, ओके। दूसरा होगा वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ आएंगे, कॉर्ड पोजिशन के साथ आवाज़ को लगाने का रियाज। कॉर्ड बजते रहेगा, आवाज़ कंटिन्यू स्टेट आवाज़, खराब आवाज़ रहेगा कॉर्ड के साथ। तीसरा चीज़ होगा वेस्टर्न स्टाइल में जो कॉर्ड पोजीशन है उसमें आवाज़ लगा के वेस्टर्न स्टाइल का अलंकार रियाज, ये हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखेंगे कि सा से चलेंगे, रे से, ग से, म से, इतना में हम लोग पहुँच जाएंगे चूँकि जिस हिसाब का ग्रुप है। लेकिन प्रत्येक ग्रुप में तीन तरीका का पैटर्न, लीडिंग, कॉर्डिंग और वेस्टर्न अलंकार, ये करते हुए जाना है। इसलिए ऑल इन वन पहला पैटर्न ढंग से समझिए, फिर रिदम में देखना है। मैं अभी रिदम समझाने वाला हूँ, रिदम के साथ थोड़ा बजा दूंगा तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आदत पड़ जाएगी। और ये एक थाट में बता रहा हूँ, हर एक थाट में करने की ज़रूरत है, हर एक थाट में करना चाहिए। अगर इसको करेंगे तो बहुत कुछ आपका ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से चलेंगे, सा रे ग म प म ग रे, सा रे ग म प, प में आके रुके, यानी कि 1 2 3 4 5,
ये पांच पटरी का एक ग्रुप बना और पांचों पटरी को कैसे बजाया, पहले सा से गए, यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर वहाँ गए, कैसे था? सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प, सा से प में गए, बिना रुके हुए सा में आए, बिना रुके हुए फिर प में गए, ये पैटर्न बना। और इंड होने के बाद ये सा ग प पहला कॉर्ड बन रहा है, ये सा ग प का कॉर्ड लिए और उसके बाद ये दो दो पार्ट हुआ, पहला तो लीडिंग बजाए, दूसरा ये कॉर्डिंग लेंगे और तीसरा पार्ट में क्या करना है वो देखिए। और तीनों चीज रिदम के अनुसार होगा, ताल के अनुसार, तभी इफेक्ट होगा, इसको महसूस कीजिए। फिर से देख लीजिए, सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प, प को लंबा करना है आवाज के साथ कॉर्ड लेके, कितना देर लंबा करना है ये रिदम से समझ जाइएगा, उसमें अभी जब चलेंगे रिदम में तो समझ जाइएगा। और जब ये लंबा प बोल लिए तब सा ग प, यानी कि कॉर्ड में जो जो स्वर दबा हुआ था उतना ही लगाना है, सा ग प, फिर वहीं पहुंच गए। और जब ये आदत पड़ जाए तो जो कॉर्ड का स्वर है उसको बिना बजाए हुए कॉर्ड बजाते हुए लेना है, सा ग प। अब ये कंप्लीट हुआ एक ग्रुप, क्या क्या था फिर से देखिए, फिर आगे चले। पहले एक ग्रुप को बढ़िया से समझ लीजिए, सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प, सा ग प, ये कंप्लीट हुआ, तीन पैटर्न बन रहा है, तीन चीज बन रहा है, तीनों रिदम के अंदर है, इसको देखेंगे रिदम में। अब रे में आते हैं, यही काम रे से करना है, सा से चले थे तो प एंडिंग स्वर था, रे से चलेंगे तो ध एंडिंग स्वर होगा, रे से चलेंगे पहले लीडिंग, रे ग म प ध प म ग, रे ग म प ध, रे म ध का कॉर्ड बन रहा है यहाँ, रे म ध म, रे म ध, बजा के पहले कर लेंगे ताकि आवाज बेसुरा नहीं हो, रे म ध म, रे म ध। और जब लगे कि बिना बजाए हुए भी उस स्वर में रह सकते हैं तो बिना बजाए हुए रे म ध म, रे म ध। दूसरा ग्रुप रे वाला पूरा देखिए, तीन पैटर्न बन रहा है, रे ग म प ध प म ग, रे ग म प ध, रे म ध म, रे म ध। अब क्या करेंगे, अब ग में आएंगे, ओके, ग से चलेंगे वही चीज। अब ग का एंडिंग स्वर कौन सा होगा, लास्ट नी तक आएगा, रे सा से आए तो प था, रे से आए तो धोआ, ग से आए तो नी तक जाएगा, कैसे करेंगे, ग म प ध नी ध प ध, ग म प ध नी। कौन कौन स्वर दबा हुआ है, ग प नी, अब इसमें आवाज लगाएंगे, ग प नी प ग प नी, बिना बजाए अगर हो रहा है मतलब आपका स्वर कंट्रोल हो रहा है, ग प नी प ग प नी, ओके। अब ग से हो गया, म से आएंगे, म प म प ध नी सा नी ध प म प ध नी सा। कौन कौन स्वर दबा हुआ है, म ध सा, अब स्वर लगाएंगे, म ध सा ध म ध सा, बिना बजाए हुए, म ध सा ध म ध सा, इंड हो गया। अब रो में आएंगे, अब फिर रिदम में देखेंगे, सा वही चीज चलेगा, पांच पांच का ही ग्रुप बनेगा, सा नी ध प म प, ए वन टू थ्री फोर फाइव, म तक आएगा, सा से म एक ग्रुप बन रहा है, सा नी ध प म प ध नी सा नी ध प म। अब यहाँ का जो ये मौ का तो कॉर्ड यहाँ लगा, ये कॉर्ड लगा के मौ बोलेंगे। अब यहाँ जो वेस्टर्न स्टाइल अलंकार करना है वो कैसे करना है, साधा मा धा साधा मा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, साधा मा धा साधा मा, ओके, सा से हो गया। अब नी से, नी धा पा मा गा मा पा
स्वर है ग प नी है, लेकिन लेना है ऊपर से नी प ग प नी प ग बोलते हुए कॉर्ड लेके बोलते हुए बेसुरा पन अगर लगे तो बजा के कर लेना है नी प ग प नी प ग। नी से हो गया, अब ध से आए ध प म ग रे ग म प ध प म ग रे रे म ध कॉर्ड है ऊपर से आएंगे ध म रे म ध म रे। अब लास्ट प म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा सा ग प कॉर्ड आ रहा है प ग सा ग प ग सा प ग सा ग प ग सा। ओके, ये पैटर्न इसको रिदम में करना है, एक थाट में रिदम में मैं करके दिखाता हूँ, आप एक थाट में पूरा कंप्लीट कर लें बढ़िया से, उसके बाद थाट चेंज करें, प्रत्येक थाट का कॉर्ड पोजीशन कहाँ कहाँ बनता है इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं इसको रिदम में प्रत्येक थाट पे लेके चलूँगा। आपका कमेंट ज़रूरी है, ऑल इन वन अलंकार है, हर एक थाट में अगर कर लिए मानो कि आपका बेरा पार हो गया। अभी बिलावल थाट में रिदम के साथ इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको मैं दूसरा थाट में लेके चलूँगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा 10 थाट तक मैं 10 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि ये विशेष अलंकार का प्रैक्टिस आपको करवा दूँ, ताकि आप जो चीज़ भी गाएँ मजबूती के साथ बढ़िया से गाएँ। आइए ये समझते हैं, इसके लिए बहुत परेशान आप लोग रहते हैं, बराबर अक्सर कमेंट कर देते हैं। अभी भी रिदम फ्री ऐप है, प्ले स्टोर में जाएंगे रिदम फ्री ऐप मिलेगा, इसको पुशअप करिए, इस हिसाब का आपको इंटरफेस खुलेगा जिसमें ताल का नाम रहेगा, चूँकि कहरवा ताल में हम लोगों को करना है तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा कहरवा 8 मात्रा, यहाँ पे है लिखा हुआ है कहरवा 8 मात्रा, इसको क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक किया, यहाँ है वॉल्यूम टेम्पो ट्यूनर, ट्यूनर को टच नहीं करना है, ऑलरेडी ट्यून रहता है, हम लोग को ज़रूरत पड़ता है जब ट्यून स्वर के हिसाब से किस स्वर में गा रहे हैं। टेम्पो ये मेन चीज़ है, अभी जो मैं डेमो में गाया था वो 300 टेम्पो पे था, ये आप लोग के लिए समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए इसको कम करिए ताकि आप समझ जाइएगा, इसको यहाँ से माइनस प्लस करके टेम्पो कम बेस करने का है, आप इसको माइनस करके इतना पे लाइए जितना में आप मेरे साथ रियाज कर सकें स्टार्टिंग पीरियड में। तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ 250 के आसपास, और मैं देखता हूँ इसकी आवाज़, ताकि आप लोग इसका रियाज मेरे साथ कर सकें। सारे गम पम गरे सारे, थोड़ा सा टेम्पो और कम, चूँकि स्टार्टिंग है इसको बाद में आप बढ़ा लीजिएगा, इसको मैं 200 पर लेके चल रहा हूँ, 200 पे आप लोग मेरे साथ अभी जो पैटर्न आप लोगों ने सीखा इसको महसूस कर लीजिएगा, तो क्या होगा धीरे धीरे अपनी क्षमता से आप इसको बढ़ाते रहिएगा। चलिए ये 200 टेम्पो में अब मैं इसको साउंड में लगाऊंगा, साउंड में लगा के आप मेरे साथ इसको रियाज करेंगे, आप इसका साउंड आपको सुनाई देगा। धागे नक धिन धागे नक धिन, पहले गौर से रिदम में मेरा देख लीजिए, उसके बाद आप इसी तरीका से मेरे साथ साथ कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले देखना चाहिए आपको कि कैसे हो रहा है। सारे ग म प म ग रे सारे ग म प धनी सा।
करता हूँ, हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े इसे टेम्पो कम करने का, लेकिन इतना आप जब शुरू में थोड़ा बजा लेंगे रिदम में आने से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना रिदम में आप स्टार्टिंग में गा सकते हैं। एक दो बार मैं और दो बार और गाता हूँ मेरे साथ साथ, आप प्रैक्टिस करके मेरे साथ साथ गा सकते हैं। ओके, बिलावल में ही चलना है। फिर 10 दिन मैं कोशिश करूँगा 10 थॉट के ऊपर इसको मैं कंटिन्यू करूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कमेंट कि आपको मेरे साथ रियाज करना है, इसके लिए ये ज़रूरी है। आगे नत्ती नक दिन आगे नत्ती नक सारे गा मा पा मा गरे सारे गा मा पा एक थाट में किया हूँ, 200 टेम्पो में किया हूँ। इसको आप हर थाट में टेम्पो बढ़ा के रियाज अगर करने लगे तो समझिए, और 10 थाट का चूँकि कॉर्ड पोजीशन भी तैयार हो जाएगा, आवाज़ का रियाज आकार में भी करना था, इसको आकार में भी करना है, ओकार में भी करना है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें है, बहुत स्पेस है, किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जितना बताया हो उतना कीजिए। कल फिर एडवांस अलंकार के रूप में आऊँगा और शाम के समय में आपके गीत के ऊपर लेसन बनाऊंगा। बहुत सारे गीत का फरमाइश है, मैं देखता हूं कि कौन सा गीत मैं चुन पाता हूं इस हिसाब से। इस सॉन्ग ये जो अभी पैटर्न बनाया हूं इसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा कि कितना लाभदायक आप लोग को लग रहा है। मुझे तो लग रहा है बहुत बेनिफिटेड है, ऑल इन वन अलंकार है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।